हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मिडिल क्लास स्टूडेंट लाइफ। तो अभी बज रहे हैं 6:45 और अभी मेरा अचानक से प्लान बना मेरे सिस्टर के रूम जाने का, ये मतलब मेरी मौसी के पास। ऐसा कुछ प्लान नहीं था स्टार्टिंग से, अभी अचानक से ये प्लान, उन्हें तो ये पता भी नहीं है कि मैं उनके पास जा भी रही हूँ। तो एक्चुअली मुझे देने थे कुछ सामान, तो जिसके कारण मुझे जाना पड़ रहा है। तो देखते हैं मैं इस ब्लॉग में क्या क्या शूट कर पाती हूँ और आप भी मेरे इस ब्लॉग के साथ बने रहें। तो यहाँ मुझे उन लोगों को देने जाना था चावल, जो कि हम अपने घर से लाते हैं क्योंकि हम बाहर इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम हर चीज़ खरीदें। और ये है मेरा सामान। और उसके बाद हम पहुँच चुके थे यहाँ पर अपने सिस्टर के रूम और यहाँ हम बैठ के खा रहे थे मुरौरी, जो कि मूली का बनता है। आप बताइएगा कि आप इसे क्या बोलते हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। The next day. और फिर यहाँ हो चुकी थी नेक्स्ट डे और हम जा रहे थे छत पे आज का वेदर चेक करने और कपड़े सुखाने। और जैसा कि आप जानते हैं कि रांची का वेदर हमेशा ही ठंडा रहता है और हमेशा ही बारिश वाला रहता है, तो आज भी काफ़ी अच्छा वेदर था, बारिश का मौसम था एज यू कैन सी। और कितना प्यारा मौसम है आज का, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही थी और आप देख सकते हैं फ्लावर्स कितने प्यारे लग रहे थे, बिल्कुल मुस्कुरा रहे थे फ्लावर्स। तो आप भी इंजॉय करें रांची का वेदर हमारे साथ। और इसे आप लोग क्या कहते हैं, हम इसे यहाँ पे स्टार फ्रूट कहते हैं, यानी तारा फल, जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाने का काम बहुत अच्छे से करता है। तो हम यहाँ पे बैठ करके ये ट्राई कर रहे थे और हमने भी इसे फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया था। और आपकी जगह पर इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। फिर हम यहाँ आ गए थे अपनी ब्रेकफास्ट करने और आज मैंने ब्रेकफास्ट में प्रिपेयर किया था बहुत ही स्पेशल सा डिश, जो कि है पास्ता। हमारे लिए तो ये बहुत ही स्पेशल है क्योंकि हम ये कभी कभी ही खा पाते हैं, हम इसे हमेशा प्रिपेयर नहीं करते हैं। तो जब हम प्रिपेयर करते हैं ये हमारे लिए बहुत ही स्पेशल नाश्ता होता है। तो हमने आज प्रिपेयर किया था पास्ता, फिर हम यहाँ बैठ के खाने लगे थे पास्ता। फिर ब्रेकफास्ट के बाद हमने कुछ भी शूट नहीं किया, हम बातें करते रहे, हमने कुछ कुछ डिस्कशंस की। फिर उसी तरह से आफ्टरनून हो गया और लंच का टाइम हो गया। तो आज हमारे लंच में ज़्यादा कुछ नहीं बना था, हमारे लंच में बना था बैगन का चोखा। आप लोग उसे क्या बोलते हैं, बहुत से लोग उसे भरता भी कहते हैं। और आप देख सकते हैं अभी बारिश हुई और वेदर कितना प्यारा बना था। फिर हमारे आज के लंच में था दाल, काफ़ी थोड़ा सा था इसलिए हमें चावल फ्राई करना पड़ा, और था भरता, बैगन का भरता, हमारे यहाँ से चोखा कहते हैं। और फिर उसके बाद लंच के बाद हमने खाई आइसक्रीम, जो कि पूरा पिघल चुका था क्योंकि हमारी गलती के वजह से ही ये पिघला था, हमने रात को कर दिया था फ्रिज ऑफ, जो कि मौसी को पता नहीं था इसलिए हम इसे ख़त्म कर रहे थे। क्योंकि अगर उन्हें पता चल जाता कि हमने रात में गलती से फ्रिज ऑफ कर दिया था तो हमें काफ़ी डांट पड़ता, और उन्हें आइसक्रीम देख के तो पता चल ही जाना था कि हमने फ्रिज ऑफ कर दिया था, इसलिए हम इसे ख़त्म कर रहे थे। और आप देख सकते हैं कि आइसक्रीम का क्या कंडीशन हो गया। फिर हम झटपट झटपट खा पी करके बाहर निकल गए क्योंकि अचानक से मेरा चार्जर हो गया था ख़राब और मेरा फ़ोन काफ़ी चार्ज हो रहा था, यानी मेरे फ़ोन को चार्ज होने में 5 घंटे लग रहे थे। तो फिर हम निकल रहे थे बाहर Xiaomi स्टोर, ताकि हमें पता चल सके कि प्रॉब्लम क्या में है, या तो प्रॉब्लम मेरे एडाप्टर में है या फिर मेरे डेटा केबल में। तो इसीलिए हम निकल चुके थे बाहर ताकि हमें प्रॉब्लम का पता चल सके। और ये है रास्ता। फिर हम यहाँ मार्केट पहुँच चुके थे और हमने काफ़ी सारी दुकानें पता की, तो फिर हमें पता चला कि मेरे डेटा केबल में प्रॉब्लम है जो कि मुझे चेंज करना पड़ेगा वरना मेरा मोबाइल भी ख़राब हो जाएगा। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम स्टोर से नहीं, हम MI स्टोर ऐप से लेंगे। और फिर हम यहाँ पे वापस जा रहे थे अपने रूम। 2000 years later. फिर हमने आते वक्त छोटी मोटी शॉपिंग की क्योंकि मुझे घर जाना है, तो मैं अपने मामू की बेटी के लिए मैंने उसके लिए छोटी मोटी शॉपिंग की क्योंकि वो है बहुत क्यूट, उसे हेयर बैंड्स का बड़ा ही शौक़ है। तो यहाँ पे मैंने आइसक्रीम ली है जो कि हम खा चुके थे, जो हमारी गलती की वजह से पिघल चुका था। तो और मैंने उसके लिए लिया हेयर बैंड जो कि बहुत ही प्यारा है, ये मुझे सिर्फ 30 रुपीज़ का मिला। और फिर उसके साथ हमने और भी छोटी मोटी सामान ली, जैसे कि रबर बैंड्स। यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी रैपर के अंदर कि मेरा सामान कहाँ गया, मैं अचानक से डर गई कि आखिर मेरा सामान हो क्या गया, बट वो मेरे थैले में गिर चुका था और मैं यहाँ ढूँढ रही थी। तो बाहर से मैंने लिया ये हेयर बैंड अपनी सिस्टर के लिए, यानी मेरी मामू की लड़की के लिए, और लिए रबर बैंड्स अपने लिए, और ये ली क्लिप जो कि मुझे काफ़ी अफोर्डेबल मिली, सिर्फ 15 रुपये की मुझे मिली, जो कि काफ़ी प्यारी है। और फिर मैंने ये ली रिंग जो कि ये भी बहुत ही सस्ती, सिर्फ 20 रुपीज़ की मुझे मिली और बहुत ही प्यारी है ये। तो आप मुझे बताएं कि आपको मेरी रिंग और मेरी हेयर बैंड्स क्लिप्स आपको कैसी लगी, होप आपको भी अच्छी लगी हुई क्योंकि काफ़ी अफोर्डेबल है। तो ये थी हमारी छोटी सी शॉपिंग, हम मिडिल क्लास स्टूडेंट्स की यही होती है शॉपिंग क्योंकि ज़्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते।
और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज हमने बहुत ही स्पेशल डिनर प्रिपेयर किया है, जो कि हम हमेशा नहीं करते हैं बट आज हम कर रहे हैं। तो आज हम डिनर में प्रिपेयर कर रहे हैं चाइनीज़ डिश, यानी आज हम बना रहे हैं चाउमीन सोया चिल्ली, और मेरी सिस्टर प्रिपेयर कर रही है पिज़्ज़ा, जो कि वो फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही है। और फ़र्स्ट टाइम में ही उसने बहुत ही अच्छा प्रिपेयर किया था, और यहाँ पर वो पिज़्ज़ा का बेस बेल रही है, और मैंने यहाँ पर सोया चिल्ली को पकौड़े बनाने के लिए मैंने सोया चिल्ली मैरिनेट करके रख दिया था। और इसमें मैंने कुछ नहीं, सिर्फ दही, अरारोट यानी कॉर्न स्टार्च, मैदा, काली मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च को डाल के इसे मैरिनेट किया है। यहाँ पे फूड कलर डालना था बट हमारे पास नहीं था तो हमने उसे नहीं डाला। और फिर मैं उसके पकौड़े तल रही हूँ, यानी मैं चिल्ली प्रिपेयर कर रही हूँ, उसके बाद मैं उसे ग्रेवी लगाऊंगी। मैंने चिल्ली के पकौड़े फ्राई करने के बाद मैंने सोचा पहले मैं नूडल्स बना लूँ, यानी मैं पहले चाउमीन बना लूँ, उसके बाद मैं नूडल्स को अलग बर्तन में खाली करके फिर मैं इसी कढ़ाई में चिल्ली का ग्रेवी पे प्रिपेयर कर लूँगी। तो मैं यहाँ बनाने लगी हूँ चाउमीन, और यहाँ पे प्रिपेयर कर रही है मेरी सिस्टर पिज़्ज़ा। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। वैसे वो पिज़्ज़ा बना काफ़ी टेस्टी था, और ये रहा मेरे नूडल्स जो कि बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। और ये रहा हमारा होममेड पिज़्ज़ा, जो कि काफ़ी यमी बना था और बहुत ही टेस्टी भी लग रहा है। और ये था हमारा आज का कम्प्लीट डिनर, जो कि काफ़ी यमी था, और हमारी तो आज पार्टी ही हो गई थी। और ये है नेक्स्ट डे का क्लिप, जब मैं अपने रूम आ रही थी और इस थैले में मुझे मेरी मासी ने लंच प्रिपेयर करके दे दिया था, और यहाँ मैं पहुँच गई थी अपने रूम। लास्ट नाइट हमने अपने डिनर के बाद कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि लास्ट नाइट हमने डिनर के बाद काफ़ी मस्ती की, हमने काफ़ी बातें की, और फिर मस्ती के बाद रूम तो आना था, फिर मैं आ गई अपने रूम, और इस तरह से हमने अपनी स्पेशल डिनर प्रिपेयर की, हमने इस तरह से मस्तियाँ की। आप बताइएगा कि आप अपने स्पेशल डिनर में क्या क्या प्रिपेयर करते हैं, और आप किस तरह से अपने दिन को स्पेशल बनाने की कोशिश करते हैं। ये था हमारा आज का स्पेशल डे। सो दैट वॉज इट फॉर टूडेज़ व्लॉग। तो होप आपको मेरा ये छोटू सा व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो देन मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन बाय, मीट यू विद माई नेक्स्ट वीडियो।